नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत इकलेरा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल तलीन में हरा भरा मध्य प्रदेश वृक्षारोपण अभियान के तहत ग्राम इकलेरा में वृक्षारोपण किया गया। मुख्य अतिथि विधायक नरसिंहगढ़ श्रीमंत महाराज राजवर्धन सिंह, युवा मोर्चा जिला प्रभारी लकी गुप्ता, जिला महामंत्री कैलाश सोनी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा नीलम सक्सेना, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष भूपेंद्र रोहिल्ला, तलीन थाना प्रभारी टीआई साहब, भाजपा मंडल अध्यक्ष जगदीश लवंशी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोपी राजपूत, वरिष्ठ नेता रामेश्वर विजयवर्गीय, बाबूलाल कश्यप, मान सिंह, फौजी सरकार, युवा मोर्चा ऊर्जा एक कार्यकर्ता बंधु, ग्रामीण समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ बंधु उपस्थित रहे। जनता युवा मोर्चा प्रावधान में हरा भरा मध्य प्रदेश जो वृक्षारोपण कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी पधारे हुए आदरणीय लकी गुप्ता जी, हमारे जिले के महामंत्री सम्माननीय कैलाश सोनी जी, जिले की हमारी महिला मोर्चे की महामंत्री श्रीमती नीलम सोनी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय लवंशी जी, आदरणीय बाबू दादा, आदरणीय विजयवर्गी जी, हमारे जितने सम्मानीय हमारे नेतागण विराजमान हैं, हमारे यहाँ के मंडल के महामंत्री योगेश जी, युवा मोर्चा के सभी हमारे सम्मानित भूपेन जी, रोहित जी, पाटीदार जी, फौजी सरकार जी, पटेल साहब पूजा के और यहाँ उपस्थित अभी हमारे थाने के हमारे टीआई साहब, पुलिस के अधिकारीगण, पत्रकार साथियों और युवा साथियों, युवा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष सम्मान्य सोनी जी उपस्थित, हमारे इकलेरा आसपास से गांव से आए हुए सभी सरपंच साहिबान और किसान भाइयों, नागरिकों, केंद्रीय नेतृत्व समय समय पे कार्यक्रम प्रसारित देते रहते हैं और इन सबका पालन करना, सुचारू रूप से कार्यक्रम को संपन्न कराना, ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। कार्यक्रमों के बारे में आपको माननीय सोनी जी ने डिटेल में बता दिया है, गुप्ता जी ने प्रकाश डाला कि किस प्रकार से हमें हरा भरा मध्य प्रदेश बनाने के लिए किस प्रकार से हमें वृक्षारोपण करना है। और अभी इकलेरा आने से पहले हम लोग लसूलिया भामा में थे, वहाँ किसान भाइयों की बड़ी सभा में वृक्षारोपण हम लोगों ने किया। और क्योंकि आपका इकलेरा एक सबसे बड़ी पंचायत मैं समझता हूँ विधानसभा की, आज यहाँ भी हम लोग वृक्षारोपण के लिए आए हुए आपके बीच में। और मुख्य मुद्दा ये है कि प्रदेश तो हरा भरा हो रहा है, क्योंकि देखिए पेड़ों की कटाई बंद हो गई जब से। सर आज जो कार्यक्रम रखा गया था इकलेरा में, किस संबंध में रखा गया था? इकलेरा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में आज हरा भरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें मुख्यतः वृक्षारोपण किया गया है। और ये गांव गांव में ये हम लोग प्रचारित कर रहे हैं कि जितना पेड़ आप लगाएंगे, जितनी हरियाली आप बढ़ाएंगे, उतना ऑक्सीजन प्राप्त होगा और मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने में सबका योगदान चाहिए, हर व्यक्ति का योगदान हो। हर व्यक्ति यदि एक पेड़ लगाएगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री रोजाना सुबह एक पेड़ लगाते हैं, यदि हम संकल्प ले लें कि हम सुबह उठते से एक पेड़ लगाएंगे तो ये हमारा जो अभियान है हरा भरा मध्य प्रदेश, ये रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें।
और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।